किचन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि गुरु नानक जयंती आने वाली है, जिसके लिए आज हम कड़ा प्रसाद बनाने जा रहे हैं। ये गुरु नानक जी का प्रसाद भी माना जाता है और हर गुरुद्वारे में इसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है और ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। चलिए शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद बनाना, जिसके लिए हमने लिया है आधा कप गेहूँ का आटा। ये हमारा रेगुलर आटा है, वैसे गुरुद्वारों में चक्की का मोटा पिसा आटा यूज किया जाता है। हमारे पास आज रेगुलर आटा था तो हमने रेगुलर यूज किया है। ये हाफ कप हमने चीनी ली है और हाफ कप हमने देसी घी लिया है, इसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। और एक कप हमने पानी लिया है। मेजरमेंट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम घी है और 200 ml पानी है। शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद। हमने अपनी गैस पे पैन रख दिया है और हम घी डाल रहे हैं और गैस हमने स्लो रखी है, गैस स्लो ही रखना है। हमारा घी हल्का गर्म हो गया, अब हम इसमें अपना आटा डालेंगे। और इसे स्लो गैस पे ही भूनेंगे। हमें अपने आटे को गोल्डन होने तक भूनना है, लेकिन गैस हमारी स्लो ही रहेगी, ध्यान रहे हमारा आटा जले नहीं। हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा और भूनेंगे अभी हम इसे। हमारा आटा भुन गया है, अब हम पानी डालेंगे ध्यान से। चीनी डालेंगे, हमारी चीनी घुल गई है इसमें, आटे ने पानी भी सोख लिया है। अभी हमारा आटा घी छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ना चालू कर दिया, अब हमारा हलवा तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारा कड़ा प्रसाद तैयार है, आप बनाइए और खाइए और कमेंट्स करके बताइए हमें आपको कैसा लगा। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।